गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे 7 और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। बस अब चलते हैं किचन। तो हम आ गए किचन और बना रहे हैं नाश्ता। और आज नाश्ते में बना रहे हैं एक कड़ी। और अभी हमने आटा गूंथा नहीं है, बस आटा गूंथा गूंथ के रोटी बनाएंगे। तो फिलहाल मेरा सब्जी बन चुका है, अब बना रहे रोटी। और मॉर्निंग से इतनी गर्मी हो रखी है, पता नहीं डे इवनिंग और नाइट में क्या होगा। अभी ठीक से 8 भी नहीं बजे और गर्मी से हालत खराब है। तो हमारा नाश्ता बन चुका है और ये लोग नाश्ता करे। खाओ जी, खाओ। हमारा नाश्ता और पूजा का नाश्ता हम दे दिए, तो चलते हैं नाश्ता करने। तो नाश्ता करके नहा धोवा के एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। और देखिए हम अपना घास का फिर से साफ करके लाए। इतना साफ होता है मेरे घर में कहने का नहीं। तो आज इतना तोड़े हैं और है, इसमें से हम आधा बनाएंगे और आधा पूजा को दे देंगे और काट के। तो चलते हैं पहले इसको फ्रेश करते हैं। किसको किसको ये पसंद है, गाज का एकदम नेचुरल। मम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से गैस का बचत कर रही है। क्या बचत कर रहे हैं? थोड़ा सा चाय बचा हुआ था, हमको उसको गर्म करना है। अपना मम्मी को देखे हैं कि चावल वावल चढ़ाए रखती थी तो उस पर रख देती थी, तो हम भी वही किए। मेरा चावल चढ़ा हुआ उसको हम सेस पैन पोंछ के रख दिए, तो मैं चाय देखिए पूरा हीट हो गया। तो सब्जी वगैरह काट के हम आ गए किचन और हम बादाम का चटनी पीसे थे। कैसे जार में से निकाल के खा रहा है, इसमें चटनी पीसे इसमें से निकाल। शर्म नहीं है तुमको चटनी पीसते? सब्जी मेरी बन रही है आलू डाटा कोड़ा की सब्जी बन रही है और इधर हमने बादाम की चटनी भी बना ली है। तो हम खाना निकाल रहे हैं और बगल में इसकी चर्चा हो रहा है, इसलिए थोड़ा साउंड ज्यादा है। तो फिलहाल हम खाना निकालते हैं गर्मी में एकदम सादा खाना। बज रहे शाम के 5 और हम बिल्कुल भी नहीं सोए क्योंकि इतनी गर्मी है और पूरा दाना निकल गया है बॉडी में, तो पूरा जलन हो रहा है। और बगल में पूजा हो रहा है तो बहुत ज्यादा साउंड हो रहा है, परेशान है एकदम। और एकदम नहीं सोए, अजीब लग रहा है। और इची उठ के बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश हो? इची इसलिए खुश है क्योंकि उसका डार्ट आया है। चूंकि इसका ये गन बहुत सारा है और ये बहुत कीमती होता है, 400-500 का एक गन आता है ना, उससे ज्यादा। तो ये ऐसा इसके पास 3 गन है पर इसका सारा डार्ट्स भुला गया था, तो हम इसको ऑर्डर कर दिए थे मीशो से ना, फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर कर दिया था। 40 पीस का ये डार्ट्स है, 200 में आया है। तो अब इसके पास अवेलेबल है। और इची का ऋषि का मुंह पता नहीं क्यों चुकंदर का जैसा हो रहा, भगवान जाने। ए इची, हैप्पी हैप्पी इची, अब तुम्हारे पास बहुत सारा डार्ट्स हो गया ना। ओए 40 पीस हो गया, अब एक तुमको मार देंगे एक लट्ठा के, याद रखना। सुनना, अब हैराना मत। गर्मी हो रखी है और मौसम पूरा बना रहा है बारिश के लिए, तो बारिश तो जबरदस्त होने वाली है, मस्त बारिश हो रखी है। अभी बज रहे हैं शाम के 8 और गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी के कारण बहुत बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा है, लग रहा है एकदम तबीयत ठीक नहीं लग रहा। इतनी अच्छी शाम में मौसम की थी कि अब बारिश होगी तब बारिश होगी, पर बारिश नहीं हुई। और इतनी गर्मी है कि काम करने का मन नहीं करता, पर भूख तो लगती है तो खाना तो बनाना ही होगा। तो हम बना रहे हैं नेनुआ और चना का सब्जी, देखिए आप लोग। और इधर हम तेल गरम कर रहे हैं, प्याज फ्राई करके छौंकन लगा देंगे सब्जी में। रोटी हमने बना ली, बस खाना बन जाए तो लगता है जंग जीत लिए हम। इतनी गर्मी है, मेरा खाना बन गया और इची का खाना लेकर हम छत पे जा रहे हैं। नहीं तो इची खाएगा नहीं और रात भी हो गया और सो जाएगा, कल सुबह स्कूल है। तो उसको पहले प्रेम से हम खाना खिला देते हैं छत पर जाके, थोड़ा राहत मिलेगा। लाइट ऑन करते हैं और चलते हैं छत। छत आ गए और खिला रहे इची को खाना और छत पे आके थोड़ा सुकून मिल रहा है क्योंकि अच्छा लग रहा हवा बाहर का। गर्मी से थोड़ा राहत मिल रहा है छत पे, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। तो इची को खाना ना खिला के ले आए नीचे क्योंकि रात बहुत ज्यादा होगी, अब इसको सुला देते हैं। अगर इसको नहीं सुलाएंगे तो ये सोएगा नहीं। तो चलते हैं इसको सुलाने के लिए और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।